घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं मास्टर निषाद और आप सभी देख रहे हैं संगीत प्रवाह वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल। आज एक हारमोनियम टेक्निक मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं, जिसमें कि एक ख़ास बात यह है कि उसमें हमारी पांचों उंगलियों का प्रयोग होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम हारमोनियम वादन करते हैं, जब हारमोनियम बजाते हैं, तो हम अक्सर क्या करते हैं, हम ज़्यादा उंगलियों का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना, और उंगलियों पर कोई ध्यान नहीं देता है कि हारमोनियम पर उंगलियाँ रखी कैसे जा रही है। बट ज़्यादा रोल जो है उंगलियों का ही होता है, क्योंकि उन्हीं से जो हैंड फॉर्मेशन है, हैंड पोजिशन है, जो अगर वो सही हुई तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ सही रहेगा। जैसे कि हम तबला वादन में कहते हैं कि हाथ का निकास कैसा है, जैसा कि हम कथक में कहते हैं कि हत्ते पल्ले कैसे हैं, कि हैंड मूवमेंट्स की पोजिशंस कैसी हैं, ना वो सब कहते हैं, गले में हम कहते हैं स्वर लगाव कैसा है, उसी तरह हारमोनियम में भी हाथ का रखरखाव मायने रखता है कि आप की उंगलियां कैसी जा रही हैं, कौन सी उंगली आप कहां लगा रहे हो जिससे कि हाथ खुला खुला रह रहा है। तो एक पोजीशन बनती है हैंड की भी, तो उससे हाथ दुखेगा भी नहीं और स्टैमिना भी ज़्यादा रहता है हाथ में और कंफर्टेबली आप बजा सकते हो। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूं और कुछ नई नई भी बताते रहता हूं। तो सबसे पहले ये नोट कीजिए कि हमारे उंगलियों, हाथ में जो उंगलियां हैं उसमें ये जो छोटी उंगली है बहुत कमज़ोर होती है बनिस्बत दूसरी उंगलियों के, इसमें ताकत कम रहती है। तो अगर हम इसमें भी वो पावर डेवलप कर पाएँ तो एक वो होगा कि पूरा हाथ यूज़ में आ रहा है और पूरे हाथ में सेम पावर है, है ना। तो ये कैसे होगा, उसी की एक एक्सरसाइज है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपसे एक ऐप के बारे में बात करना चाहूँगा, जिस ऐप के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, रियाज ऐप। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये रियाज ऐप है और इसमें गाने के, क्लासिकल के, बॉलीवुड के, कर्नाटक स्टाइल के सब प्रकार के लेसन्स मिलते हैं आपको, और राग, अलंकार और भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इस पर डिटेल जो वीडियो है वो भी आपको मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी। बाकी और इस ऐप के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड करें इस ऐप को। अब जब ऐप की बात हो चुकी है तो आइए कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज पर। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने हाथ रखा है पहली सफ़ेद पर, यानी आपका ये सी स्केल है, हारमोनियम पर, कीबोर्ड पर, किसी पर भी आप इसे कर सकते हैं। और पहली जो एक्सरसाइज है वो हम अलंकार की ही लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जब संगीत प्रवाह वर्ल्ड के एपिसोड्स में अलंकार सिखाए जाते हैं तो 12 स्केल, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इन 12 स्केल से अलंकार सिखाए जाते हैं। तो हम पहली सफ़ेद से जब अलंकार की प्रैक्टिस करते हैं, या देखें जाए तो सफ़ेद जो स्केल्स हैं यहाँ से जब करते हैं, तो ऑटोमेटिकली अंगूठे से शुरुआत और छोटी उंगली पे ख़त्म होता है। जैसे अगर यहाँ पे लेंगे आप तो ये, इससे क्या होता है, ये पूरा हाथ यूज़ में आया और ये दोनों जो उंगलियाँ हैं ये भी बराबर यूज़ में आती हैं। अब इसी पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा अलंकार जाएगा। तो पांच उंगलियां अगर रेगुलर आप रखते हैं तो सारे गम अप पे आती है ये, है ना। तो पांचवा अलंकार बजा लीजिए जो रेगुलर बजेगा, तो कैसे, ये आ गया सातक, फिर इसी से रिवर्स आइए, ठीक है। एक तो ये हो गया, तीन तीन के पेयर बना लीजिए, लेकिन उंगलियां यही पांच, वो भी सीक्वेंस में। इससे क्या होगा, एक बार के लिए पावर डेवलप होती है इस उंगली में, छोटी उंगली में भी अभ्यास है, अभ्यास से अगर आप करते हैं तो ये भी मजबूत हो जाएगी, है ना। फिर यहां से ही वही तीन तीन के पेयर, है ना, तीन तीन गए हम सारे, गए रेगा मा गामा पा, रेगा मा गामा पा मा पा धा, गामा पा मा पा धा पा धा नी, मा पा धा पा धा नी धा नी सा, सा नी धा नी धा पा धा पा मा, नी धा पा धा पा मा पा मा ग, धा पा मा पा मा ग पा मा ग रे, पा मा ग मा ग रे ग रे सा, है ना। फिर जो आप, अगर आपने सीखा हो ये अलंकार सा रे रे ग ग म प प ध ध नि नि सा, तो वो भी बजा सकते हो, सा रे रे ग ग म म प रे ग ग म म प प ध ग म म प प ध ध नि म प प ध ध नि नि सा,
है ना, ये भी बजा सकते हो। है ना, ये बजा सकते हो। और सारे गामा वाला, और उसमें भी ये जाएगा सारे गामा रे गामा पा। ये अगर आप करते हो तो इससे तो हाथ आगे बढ़ेगा, पर हमें हाथ नहीं आगे बढ़ाना है, हमें इन पांचों का यूज़ करना है। तो सारे गामा और रे गामा प ऐसे बजाएंगे हम, इससे क्या है आगे बढ़ाने नहीं हमको हाथ की, ध पर जाना हो, ध पर जाने के लिए हम रे पर वापस आएंगे। सारे गामा रे गामा पा, फिर रे गामा पा गामा पा धा, गामा पा धा मा पा धा नी पा धा नी सा मा पा धा नी पा धा नी सा। कैसे जा रहा है? इससे क्या होगा, इस उंगली का बराबर प्रयोग है। तो ये कुछ अलंकार हो गए। फिर एक कॉर्ड का अलंकार है जो आप देखें, कॉर्ड की प्रैक्टिस है जिसमें बजता है सा ग प ध और रे, है ना, ये बनता है। अब ये अगर पूरा कॉर्ड ना लग सके तो एक एक करके तो आप बजा ही सकते हैं, जंप करके, जैसे कि सा ग प ध और ये रे, है ना। यही जब रे से जाओगे तो रे म प सा ग, है ना, ये यानी वो यहाँ का। फिर यहाँ से जाओगे तो वही कॉम्बिनेशन बनाना है एक एक छोड़ के, तो ऐसे करके क्या है ये उंगली बच जाएगी, जैसे कि। फिर इसी से ही रिवर्स आओ, लेकिन जब रिवर्स आओगे तो ये के बाद सा लगाने के बनिस्बत आप रे पर अंगूठा लगाओगे ताकि आगे जा सको। बहुत पहले मैंने एक वीडियो दिया था, कॉर्ड्स का ही अलंकार था वो, है ना, उसमें भी ऐसी ही कुछ चीज सिखाई थी मैंने कि, है ना, उसमें यूं था सा ग प सा प ग, फिर उसमें स्केल्स बदल रहे थे एक एक करके, जैसे कि, वो ये अलंकार था। लेकिन इसमें क्या करना है, इसी स्केल से आगे बढ़ते जाना है, और इसमें सा ग प ध रे जो है पांच स्वर यूज आ रहे हैं। ना एक एक वाइट वाइट छूटता जा रहा है, अगर आप देख रहे हो तो सिर्फ एक एक बीच का वाइट छोड़ा है हमने। और इसका कोई एंड नहीं है, ये आप तीनों सप्तकों में जा सकते हैं। आप नीचे से शुरू कर सकते हैं, यहां से शुरू करके बजाइए, और ये जाते जाइए जाते जाइए, जहाँ तक जाएगा फिर वहाँ से रिवर्स आइए, और ये धीरे 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 इसमें स्पीड बढ़ाते जाइए, तो ऐसे आपका हाथ इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रवाह वर्ल्ड के वीडियोस को, और ऐसे ही कई नए नए टॉपिक्स आएंगे जिन पर आप सीख सकते हैं जिनसे। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड लाइक कमेंट शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू।